हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एचटेट का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया जा चुका है। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों सेगमेंट के लिए रिलीज किया जा चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस पर जो सीडीपी है वो सभी सेगमेंट में 30-30 क्वेश्चंस लिए जाएंगे, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, उन सभी में 30-30 क्वेश्चंस होंगे, 30 नंबर का होगा। तो हमारा जो नया सीरीज है वो स्टार्ट हो रहा है, वो है 30 out of 30। जी हाँ, 30 में से 30 आपको स्कोर करने हैं। किस तरह से करेंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए, उन सभी पर बात करेंगे। तो आज ये हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर से। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी चीज़ की शुरुआत से पहले प्रीवियस ईयर की एनालिसिस अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ताकि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यूज को ध्यान में रख करके ना अपनी नेक्स्ट स्टेप बनाओ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के 2016 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे, मैं वो डिस्कस करूंगा विद डिटेल में। सीडीपी के इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, ताकि आपको कोई इश्यूज ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने अभी तक हमारी लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है या फिर हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर इनरोल करना है। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि एचटेट पीजीटी कॉमर्स जो टारगेट हमारा बैच है 2021-22 को ध्यान में रख करके, स्पेशली टेट की जो लेवल 3 पीजीटी है उसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने बैच स्टार्ट कर दी है। क्लासेस इसके स्टार्ट होने वाली है, लाइव क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, रिकॉर्डेड ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो जिन्होंने अभी तक इनरोल नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाइए जाकर के डाउनलोड कीजिए। और किसी तरह के कोई भी अदर क्वारीज होती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर आप कॉल करके अपनी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपके सामने गिवन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी किंतु परंतु के। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और जैसा कि मैंने बोला कि ये प्रीवियस ईयर का लिया हुआ, 2016 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया क्वेश्चन है। बोला जा रहा है, किशोर अवस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। मतलब जब आप एडल्ट स्टेज पर होते हैं तो उस समय आपको किस तरह से ग्रोथ चाहिए, किस तरह से आपको हेल्प होगी, इसेंशियल आपको हेल्प की नीड होगी, तो उस तरह से कैसे आपको हेल्प दे सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा जो टाइम होता है, देखो, गलती निकालना बुरी चीज है, आलोचना करना गलत चीज है, नकारात्मक व्यवहार करना ये गलत है। अगर आपको आंसर सही में नहीं समझ में आ रहा है तो चीजों को बाहर करो। अगर आप किसी की सिर्फ गलती निकालते रहोगे, उसकी अच्छाई पर ध्यान नहीं दोगे, तो ये बुरी बात है, उन्हें भी आप पसंद नहीं होगे और आपको ध्यान नहीं देगा। अगर आप उनकी आलोचना करोगे, क्रिटिसाइज करोगे, तो वो भी पसंद नहीं करेंगे। और नेगेटिव बिहेवियर तो खैर ये तो दूर से ही क्लियर है कि नहीं होना चाहिए। हाँ, आप उन्हें इंस्पायर करो, अभिप्रेरण करो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक बालक के समाजीकरण हेतु अध्यापक द्वारा यानी कि टीचर्स के द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं है। देखो, एक चीज याद रखना, नेगेटिव वाला क्वेश्चंस आजकल नॉट वाले क्वेश्चंस ना बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक टीचर का स्टूडेंट के लिए कौन सा टेक्निक जो है वो अच्छा नहीं होगा, यहाँ पर हमें ये बताना है। एक सिंपल सा, टीचर को साइड करो फिलहाल, एक सिंपल सा बताओ, एक स्टूडेंट के लिए अगर वो डेवलपमेंट कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तो क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्ट टीचिंग देना। डायरेक्ट टीचिंग का मतलब क्या होता है, हर एक स्टूडेंट्स की लर्निंग कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। कोई स्पीड पढ़ना चाहता है, कोई धीरे पढ़ना चाहता है, कोई बहुत सारी चीजों को समझता है, बहुत लोग नहीं समझते हैं। तो डायरेक्ट टीचिंग के माध्यम से आप सभी के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन करने का मतलब, किस चीज में आपके पास स्ट्रेंथ है, किस चीज में आपके पास कमी है, कहां पर जोर देना है, उस चीज को देखना। डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन कहने का मतलब ये हुआ, छूट देनी चाहिए, ये नहीं कि आप पूरी पूरी स्ट्रिक्ट बना करके रखो, ऐसा नहीं है। खुले व्यवहार होना चाहिए, आराम से एक दूसरे के साथ मिलजुल के वाला जो सेंस है वो होना चाहिए। ओवर प्रोटेक्शन यानी कि अति संरक्षण, देखो ये नहीं होना चाहिए। अति संरक्षण क्यों, किसी चीज को अगर आप ज्यादा पकड़ के रखोगे तो जाहिर सी बात है वो डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, अब किसी बच्चे को 2+2 आप सिखा दिया एक बार, आपने दूसरी बार जब 2+2 हुआ आप फिर से बता ही दे रहे हो आंसर, आंसर बताओ मत, उनसे पूछो 2+3 कितना होगा, पूछो। आपने अगर उनको ऐड करना सिखाया है, देन आप उनसे अब ऐड के क्वेश्चंस दो और उनसे पूछना स्टार्ट करो। तो एक तरह से आप प्रोटेक्शन ना करें, ओवर प्रोटेक्शन नहीं, प्रोटेक्शन अच्छी बात है, ओवर प्रोटेक्शन बुरी बात होती है।
ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में नहीं के सेंस में पूछा गया है। क्लियर है, 2016 में ये सब क्वेश्चन आए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक किशोर के संवेगों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। देखो अगेन फिर से रॉन्ग नॉट, मैंने पहले ही बोला नेगेटिव वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछने जाने लगे हैं और इस पर आपको बड़ा अच्छे से ध्यान देना है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा इमोशन के केस में, इमोशंस के केस में, संवेगों के केस में कौन सा गलत है। इमोशंस क्या होते हैं भाई, इमोशंस यानी कि जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा आप दिखता है, हंसते खेलते बोलते बात करते गुस्से करते, आपके मोबाइल पे भी इमोशंस वाले इमोजी है ना, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हमेशा एक जैसा होता है, नहीं हमेशा एक जैसा नहीं होता है, ये मॉडिफाई हो सकता है लर्निंग के माध्यम से। बिल्कुल सही, इमोशन जो है वो पढ़ाई के साथ साथ चेंजेस हो सकता है। एक इसका आसान सा तरीका समझाता हूँ, एक पढ़े लिखे इंसान से बात करो और एक जो पढ़े लिखा नहीं है, लिटरेचर नहीं है, उनसे बात करो। दोनों से बात करने का तरीका, दोनों के बोलने का तरीका, दोनों से क्वेश्चन राइज या फिर आंसर्स का तरीका ना बहुत डिफरेंट होता है। तो अगेन इमोशंस में बदलाव हुआ, इमोशंस आर परमानेंट भाई। अभी मैंने बोला कि यहाँ पर आप मॉडिफाई कर सकते हो, तो परमानेंट कैसे हो सकता है, रॉन्ग तो आपको मिल चुका है, ठीक है ना। और ये आपके फीलिंग से जुड़ा हुआ होता है, ऑफकोर्स आपकी जब आप खुश होंगे तो आपकी इमोशंस बदल जाएगी, जब आप सैड होंगे तब इमोशन बदल जाएगी, गुस्से होंगे तब भी इमोशन बदल जाएगी, तो ये भी हमारा सही है, ये तो सही था ही। और ये हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से चेंजेस होता है, बिल्कुल सही। हम दूसरों को देख करके, लाइक आपके हाथ में आप जो फोन यूज कर रहे हो, मान लो कुछ बड़ा सा अच्छा फोन मिल जाए, इससे बढ़िया अच्छा और कैमरा वाला, इमोशन बदलता है ना। आपकी जॉब नहीं लगी है, सपोज जॉब लग जाए, टीचर बन जाओ, यार इमोशंस बदल जाएंगे एकदम तुरंत भर में। तो जितने भी बाह्य उद्दीपन है यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलस है, उन सभी की वजह से भी हमारे इमोशंस में बदलाव होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर है, परमानेंट नहीं होता, अस्थाई नहीं होता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। समेकित शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। अगर मैं बात करूं इंक्लूसिव एजुकेशन की, इसका मतलब ये होता है कि जहां पर डिफरेंट कैटेगरीज वाइज, डिफरेंट नेचर वाइज, डिफरेंट लोकेशन वाइज, मतलब डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट एक साथ एक क्लासरूम में एक कॉमन की तरह स्टडी करें, ठीक है ना। मतलब एक कॉमन मतलब एक सभी बराबर लेवल पर हैं, कुछ इस तरह के स्टडी करें जहां पर व्यक्तिगत प्रभाव कोई मतलब नहीं करता है कि आप ऊंचे खानदान से हो, नीचे खानदान से हो, आप थोड़े से आप हैंडीकैप हो, नहीं हो, या फिर गरीब हो, अमीर हो, मतलब ये सब चीजें, आप किसी स्टैंडर्ड प्लेस से आते हो, आप किसी पुअर प्लेस से आते हो, मतलब नहीं है भैया, उससे मतलब नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन इस चीज को दिखाती है कि एक क्लासरूम के अंदर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो सब एक साथ एक जनरल स्टडी कर रहे हैं, मतलब सब बराबर हैं। और यूनिफॉर्म इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, यूनिफॉर्म जो है वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। स्कूल में क्यों यूनिफॉर्म्स रखे गए हैं, ताकि किसी को ये ना है कि कोई बहुत ज्यादा अच्छा ड्रेस पहन के आया, कोई खराब ड्रेस पहन के आया, इसलिए यूनिफॉर्म सिस्टम्स अपनाए जाते हैं, ठीक है। तो 1 इज अ राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं इसी के साथ। किशोरावस्था यानी कि जब आप एडल्ट वाले स्टेज पर हैं तब में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, आपकी बिहेवियर और आपकी एटीट्यूड। जब आप एडल्ट वाले स्टेज पर हैं, एडोलेंस वाले स्टेज पर हैं, तब आपकी बिहेवियर और आपके एटीट्यूड पर सबसे ज्यादा प्रभाव किससे पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे जो सेम एज वाले ग्रुप्स होंगे, यानी कि जो हमारे दोस्त होंगे, जो हमारे पीयर ग्रुप्स होंगे, उनके वजह से, ठीक है। आप किसके साथ उठते बैठते हैं, तो किसके साथ उठे बैठेंगे, सेम उम्र के वालों के साथ। ऐसा थोड़ी कि बहुत ऊपर नीचे उम्र के साथ में बैठोगे, आपकी उम्र है 18 साल और आप बैठे हुए हो 50 साल के इंसान के साथ, ऐसा बहुत रेयर है। या फिर आपकी उम्र है 18 साल और आप 10 साल के बच्चे के साथ दोस्ती किए हो, ऐसा भी नहीं होता। जनरली थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सेम ग्रुप होता है, तो उनकी बिहेवियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप उनके साथ कैसे रहते हो ये काफी ज्यादा इफेक्ट करती है आपकी बिहेवियर, ठीक है ना, आपकी एटीट्यूड को प्रभाव करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। सो ऑप्शन नंबर 3
यानी कि हमारे पीयर ग्रुप्स, सगी साथियों द्वारा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक यानी कि टीचर, यानी कि बोला जा रहा है कि अगर अगर हम स्टूडेंट्स में मोरल वैल्यूज को प्रॉपरली इफेक्टिवली तरीके से डेवलप करना चाहते हैं, उनको और अच्छे से विकसित करना चाहते हैं, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए। देखो एक सिंपल सा सेंस बताता हूँ, जितनी भी इस तरह वाले आपको क्वेश्चंस दिखेंगे इनमें सबसे अच्छा उदाहरण होता है देख करके सीखना, ठीक है ना। आपको एक एग्जांपल भी समझाता हूँ, यहाँ पर टीचर से भी मतलब नहीं है। आप स्ट्रीट फूड में खा रहे हो, ठीक है ना, या फिर उससे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ ट्रैफिक लाइट्स का, ठीक है ना। ट्रैफिक लाइट्स में बहुत लोग क्या करते हैं ना, रेड सिग्नल होने के बावजूद भी क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। खास करके अगर रात का टाइम है तो यार लोगों का ना होता है यार कोई देख तो रहा नहीं है ना, क्रॉस कर जाते हैं। आप एक काम करना कभी भी कि ट्रैफिक लाइट रात में जला होगा ना, और आप जाकर के गाड़ी को रोक देना, पीछे से आने वाली जो गाड़ी होगी ना, खास करके बाइक्स जो होंगे, डेफिनेटली वो भी खड़ी हो जाएंगी आपको देख करके। यानी कि हम देख करके बिहेवियर्स को काफी अच्छे से सीखते हैं। तो टीचर्स के लिए भी यही चीज बोला गया है कि आप अपनी बिहेवियर को ठीक करो, आप अपना आचरण मोरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग करो, स्टूडेंट्स आपको देख करके वो वैल्यूज अपना लेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी आप इसको ट्राई कर सकते हो, आप भी चेक कर सकते हो। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका रेड लाइट है, क्योंकि इंडिया में भाई रेड लाइट तोड़ने में लोगों को बड़ी मजा आता है, खास करके यंग जनरेशन को बहुत मजा आता है इस चीज में। क्या सुकून मिलता है मुझे नहीं पता, बट मिलता तो जरूर है उनको। बट आप ट्राई करना कि खास करके वैसी सड़क जहां पर ट्रैफिक बहुत कम है, रेड लाइट है, आप गाड़ी को रोक देना, देखना पीछे से आने वाली खास करके बाइक्स जो होंगे ना, वो भी आपको देख करके डेफिनेटली 99% या 95% चांस है कि वो भी आपके साथ में गाड़ी खड़ी कर देगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। विवेचनात्मक चिंतन व्यक्ति में वे योग्यताएं और कौशल विकसित करने में सहायक है जो, यानी कि बोला जा रहा है क्रिटिकल थिंकिंग, जो आपकी रीजनिंग आप करते हो ना, तो क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है आपकी, वो हेल्प करती है डेवलप करने में आपकी एबिलिटी और स्किल्स। किस टाइप से, मतलब कौन सी एबिलिटी को वो डेवलप करने में आपके लिए हेल्प करती है। तो बेसिकली जब आप कोई भी चीज क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, यानी कि आप रीजनिंग बनाते हो, तो क्या होता है दिमाग में ना, आप दिमाग के घोड़े दौड़ाते हो सिंपल सी, मतलब आप जो चीजें आपने पढ़ा हुआ उसके अलावा जो आप सोच सकते हैं, आपकी जो आईक्यू लेवल है आप उसे इंक्रीज करना चाहते हो, उसे सोचते हो कि क्या क्या हो सकता है, किस तरह से चीजें हो सकती है। यानी कि हम बोले तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, जो नई नई चीजें आपको देखने को मिलेगा, उसमें आप चीजों को प्रॉपरली देखना सीखेंगे, उनकी व्याख्या करना सीखेंगे, उनका एनालिसिस, उनका विश्लेषण करना सीखेंगे, उनका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना सीखेंगे, और अल्टीमेटली सबसे इम्पोर्टेंट उसके अकॉर्डिंग आप कुछ डिसीजंस या फिर कुछ निष्कर्ष निकालना सीख जाएंगे कि क्या चीजें कैसे करनी है। तो रीजनिंग का सबसे बड़ा हेल्प यही होता है, और रीजनिंग इसीलिए आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है ताकि ये चेक किया जा सके कि आपकी आईक्यू लेवल, आप प्रॉब्लम वाले सिचुएशंस में किस तरह से अपने आप को बिहेव करते हैं और कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार के लिए सर्वोत्तम विधि है, यानी कि एक टीचर्स और पेरेंट के द्वारा जो किशोरावस्था में बच्चे होते हैं उनके साथ में किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। देखो अगर मैं बात करूं उनके साथ में, तो भाई दोस्ती वाला बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि जिस स्टेज पर वो होते हैं, और जैसा आजकल न्यूज़पेपर उठाओ कहीं ना कुछ तो सुसाइड्स वाले केस मिल जाते हैं कि पेरेंट्स ने ये नहीं किया तो सुसाइड कर लिया, पेरेंट्स से वो मांगा तो सुसाइड में हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें, टीचर्स ने डांट दिया तो टीचर्स को उन्होंने कुछ कर दिया, या फिर किसी ने कुछ कर लिया मार्क्स कम आ गए। तो अल्टीमेटली जो होना चाहिए वो दोस्ती वाला होना चाहिए। अब दोस्ती वाला यहाँ तो ऑप्शन है नहीं, तो कौन सा चूज करोगे। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक जो है, वो बेसिकली उसी को दिखाता है, ये रिप्रेजेंट ही करता है कि जो नेचर होना चाहिए, जो हमारा बिहेवियर होना चाहिए, वो इस तरह का होना चाहिए कि हम उनके साथ में उनकी बातें सुने। डेमोक्रेटिक का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है ना, कि सिर्फ आप अपनी नहीं बोलोगे, यानी कि पेरेंट और टीचर सिर्फ अपनी नहीं करेंगे, वो
जो किशोरावस्था में बच्चे हैं, जो एडल्ट स्टेज में पहुंचे हैं जस्ट अभी, उनसे पूछेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि आप करना क्या चाहते हो, कैसा बिहेवियर चाहते हो, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है आपको, किस चीज़ में आपकी रुचि है, इन सब चीज़ों पर वो ध्यान देते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? आपने ध्यान दिया होगा तो ये तीसरा क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 9 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जो नेगेटिव पॉइंट पर बात कर रही है, और ये क्वेश्चन आज के दौर पर, यू भी 2016 में है, जबकि मैं आजकल भी बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। तो सोच सकते हो 2018, 19, 20 में किस तरह के क्वेश्चन आए होंगे नोट वाले, तो इस पर फोकस करें। और ये क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन देने के लिए बनाए जाते हैं, इन पर फोकस रखना है, ठीक है। क्वेश्चंस में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल डेवलपमेंट? सोशल डेवलपमेंट में किस तरह की चीजें आप नहीं देखने को मिलती हैं, हमारा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, हमें ये बताना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पेयर ग्रुप्स, आप अपने दोस्तों यारों के साथ उठना बैठना कम करोगे या ज्यादा करोगे? ऑफ कोर्स ज्यादा करेंगे, एक्टिव रहेंगे हम, तो एक्टिव होना सही बात है। जिस स्टेज पर आपको, जो एडल्ट स्टेज वाला है, उस पर आप उठना बैठना ज्यादा हो जाते हैं, दोस्त यारों के साथ ज्यादा बात मानते हैं, इसलिए तो बिहेवियर में चेंजेस आता है। हमने पहले भी क्वेश्चंस देखा, जो हमारे अपोजिट सेक्स होते हैं, यानी कि जो विपरीत लिंग होती है, यानी कि मेल फीमेल, इनमें क्या होता है, हमारा अट्रैक्शन बढ़ जाता है, डेफिनेटली बढ़ जाता है, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता ही है, इसमें बोलने की जरूरत भी नहीं है। और हमारा कहीं ना कहीं स्पेशल इंटरेस्ट भी आगे बढ़ता है, हम अपने आप को, अपनी नई स्किल्स, अपने आप को क्या देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इस चीज में हमारी जो रुझान है कहीं ना कहीं वो बढ़ जाती है। हम स्पेसिफिक चीजों पर उतरना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक स्पेसिफिक मतलब, आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपकी रुझान ना बदल जाती है और आप उसी डायरेक्शन पर मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। बिजनेस करना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, ये डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बोला जा रहा है हाई डिक्रीज होता है किसमें भाई? फ्रेंडली रिलेशन में। भाई पहले लाइन में जब मैंने बोला कि पीयर ग्रुप्स के साथ आपकी उठना बैठना बढ़ जाती है, तो डिक्रीज कैसे हो सकता है? पीयर ग्रुप्स कहने का मतलब कौन हुए? पीयर ग्रुप्स हमारे फ्रेंड्स हुए, ये हमारे कौन है? फ्रेंड्स हुए, तो उन्हीं के साथ ना उठना बैठना बढ़ रहा है हमारा, तो जब इनके साथ उठना बैठना बढ़ रहा है तो भाई डिक्रीज होने का केस तो आ ही नहीं सकता है। सो 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं इसी के साथ, आखिरी क्वेश्चन आज की सीरीज का। एक किशोर अपने बाएं हाथ से कार्य करता है, एक लड़का है वो अपने बाएं हाथ से काम कर रहा है, जैसे कि खाना लेना, लिखना, तो ये जो डेवलप है, ये जो विकास है, ये जो डेवलपमेंट है, ये किस चीज को इंडिकेट करता है? पहले चीज, ये रॉन्ग बिहेवियर नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये रॉन्ग बिहेवियर तो बिल्कुल नहीं है। बाया हाथ से लिखना कोई गलत चीज का इंडिकेट नहीं है, वो खाना ले रहा है बाया हाथ से, ये कुछ गलत चीज का इंडिकेटर नहीं है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये डेवलपमेंट बिहेवियर है। ये डेवलपमेंट बिहेवियर भी किस तरीके का डेवलपमेंट बिहेवियर? भाई उसकी दोनों हाथें हो सकता है, मूवमेंट काम करती हो, वो लेफ्ट हैंड से ले रहा है, तो ये एक तरह का डेवलपमेंट बिहेवियर है, ये एक विकासात्मक बिहेवियर को दिखलाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, क्लियर है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, 10 में से आप लोगों ने कितने स्कोर किए कमेंट करके जरूर बताना है, बिना किसी किंतु परंतु के, और अपने दोस्तों यारों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करो, क्योंकि हेल्दी कॉम्पिटिशंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना है कि आप लोगों को 30 out of 30 लाना है, जैसा कि मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया। ध्यान से देखो, 10 के 10 IQ बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा डीप में स्टडी करने की नहीं जरूरत थी, इसलिए मैं बोलता हूँ CDP में अगर स्कोर चाहिए तो जितनी ज्यादा से ज्यादा MCQ प्रैक्टिस करोगे उतना इंपॉर्टेंट है। और इस कोर्स में हम लोग आप लोगों को देने वाले हैं 200+ CDP MCQ, 200 से ज्यादा CDP के MCQs प्रोवाइड करने वाले हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो भी प्रॉपर हो। तो जिन्होंने अभी तक इनरोलमेंट नहीं लिया है, फटाफट इनरोलमेंट ले लो, क्योंकि टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही टाइम पर सही डिसीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्रॉपरली स्टडी करो। आप सभी लोगों को राधे राधे।